नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु। कल डीवी लाइव पर एक गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें देश की राजनीति में हो रही उठापटक का विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकारों द्वारा किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभार। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपके सामने पेश कर रहे हैं न्यूज पॉइंट, आपका पसंदीदा शो। और इस शो में आज जो चर्चा होगी वही तेलंगाना के चुनाव प्रचार का शोर, आप जानते हैं कि खत्म हो चुका है और अब जो कुछ भी है सबकी निगाहें टिकी हुई हैं 30 तारीख पर, यानी 30 नवंबर को जो वोटिंग होनी है यहाँ तेलंगाना में 119 सीटों के लिए, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और इस बार बड़ी दमदारी के साथ कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ती हुई दिखाई दे रही है। बीआरएस पिछले दो टर्म से यहाँ पर सत्ता कर रही है, यानी कि राज कर रही है। 2013 का चुनाव और उसके बाद 2018 का चुनाव बीआरएस के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं, वो जीत चुके हैं, लेकिन ये तीसरा चुनाव क्यों उनके लिए सबसे मुश्किल चुनाव बन गया है, इसकी चर्चा आज करेंगे हम। और ये भी आज जानेंगे कि आखिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो चौंकाने वाली हैं तेलंगाना की जमीनी हकीकत से। जमीनी हकीकत क्या है तेलंगाना की और क्यों चौंका रही है वो तमाम खबरें, उस पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा ये भी करेंगे कि आज आखिरी दिन जब चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो रहा था तो क्यों बीजेपी नदारद थी, बीजेपी मार्केट में थी ही नहीं, दिखाई नहीं दे रही थी, आखिर ऐसा क्यों हुआ। बहुत सारी बातें हम करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा रोड शो की चर्चा हम कर लें, उस रोड शो की जिसे कांग्रेस के दो प्रमुख नेता कर रहे थे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, दोनों आज सड़कें नाप रहे थे और बहुत दिनों से नापते हुए आप देख भी रहे हैं। और खासकर जब तेलंगाना की हम बात करते हैं तो यहाँ जन सैलाब उमड़ पड़ता है जब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी सड़कों पे होते हैं या किसी रैली में होते हैं। आप पिछले एक महीने से देखिए तो लगातार ऐसा ही दिखाई दिया। आखिर क्या कारण है, क्या वजह है कि लोगों ने अब कांग्रेस की तरफ देखना शुरू कर दिया है? ये बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब आज आप तक हम पहुंचाएंगे। लेकिन उसके अलावा क्या प्रियंका गांधी जब अपनी बात रख रही थी और जब रोड शो के समापन के बाद भाषण हुआ तो पहले प्रियंका गांधी और उसके बाद अशोक गहलोत भी थे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान का चुनाव समाप्त हो चुका है, और उसके बाद राहुल गांधी आए प्रचार में अपनी भागीदारी निभाने के लिए, भाषण देने के लिए। आज हम लोग इसके अलावा इस हैदराबाद से बाहर, जैसे कल बाहर थे आज भी हम लोग बाहर गए थे, और बाहर जा करके हमने वहाँ आज समझने की कोशिश की कि गांवों में लोग क्या मानते हैं, क्या कह रहे हैं, किसकी सरकार बननी चाहिए। तो पहले सुनते हैं प्रियंका गांधी को, क्या कुछ कह रही थी प्रियंका गांधी, और खास कर तब जबकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, सुनिए जरा। और जब जब बीजेपी को मदद चाहिए दिल्ली में, संसद में, पार्लियामेंट में कौन आता है मदद करने? बीआरएस। और बीआरएस को कौन मदद कर रहा है तेलंगाना में बताइए? एमआईएम मदद कर रही है बीआरएस को, देख लीजिए। बीआरएस, एमआईएम, बीजेपी एक तरफ, तेलंगाना की सारी जनता दूसरी तरफ, कांग्रेस दूसरी तरफ। आज कांग्रेस आपके साथ खड़ी है बहनों और भाइयों, गलत फहमी में मत रहो। ओवैसी जी के भाषण सुनो, ओवैसी जी किस पर आक्रमण करते हैं? नहीं, केसीआर पे नहीं करते, बीजेपी पे नहीं कर रहे हैं, ओवैसी जी राहुल गांधी पे हमला करते हैं। सोचिए, राहुल गांधी वो शख्स है जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल 4000 किलोमीटर चला। क्यों चला बहनों और भाइयों, क्यों चला? इस देश की एकता के लिए, भारत जोड़ो बोल के चला। और ओवैसी जी किस पर आक्रमण करते हैं, किस पे हमला करते हैं? राहुल जी पे। तो सोच लीजिए और पूरा खेल समझ लीजिए। एमआईएम दूसरे प्रदेशों में 40-50 सीट लड़ती है, तेलंगाना में आकर 9 सीट लड़ रही है। पूछो, सवाल उठाओ, जागरूक बनो।
आपके धर्म, आपके जज्बातों का इस्तेमाल हो रहा है। ये चुनाव अपने सपनों पे लड़ो, अपने विकास पे लड़ो और इस बात पे लड़ो कि जिन जिन्होंने बलिदान दिया तेलंगाना के लिए, तेलंगाना को बनाने के लिए, उनका एक एक सपना साकार हो, इस पर लड़ो ये चुनाव, अपने लिए काम करवाओ। तो सुन रहे थे आप यहाँ प्रियंका गांधी को, तेलंगाना को क्यों चाहिए, तेलंगाना को कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस को क्यों चाहिए तेलंगाना, इन तमाम बातों को यहाँ पर प्रियंका गांधी रख रही हैं और कैसे लड़ो, किस चीज के लिए लड़ो, ये तमाम बातें प्रियंका गांधी यहाँ के वोटर्स को, मतदाताओं को समझा रही हैं, बता रही हैं, जनता को बता रही हैं। लेकिन 30 तारीख को देखना होगा कि यहाँ की जनता इनकी बातों पर कितना विश्वास करती है और वोट दे करके किसे आती है, ये 3 तारीख को पता चलेगा, 3 दिसंबर को जब हम आपके सामने रिजल्ट रखेंगे। लेकिन इसी मंच से राहुल गांधी भी आज गरज रहे थे और राहुल गांधी तूफान की बात हमेशा करते आए हैं, कह रहे हैं कि तेलंगाना में तूफान आने वाला है कांग्रेस के पक्ष में। जरा सुनिए राहुल गांधी। लेकिन उसके अलावा राहुल गांधी ये भी कह रहे थे कि अगर आपको हमारी जरूरत हो, आपको आपको किसी भी तरह की जरूरत हो दिल्ली से, तो हम, मैं और मेरी बहन प्रियंका दोनों आपके लिए हमेशा तैयार मिलेंगे। सुनिए जरा राहुल गांधी को। ये मेरी बहन है, इधर आओ, ये मेरी बहन है, ये और मैं आपके दिल्ली में सिपाही हैं। दिल्ली में आपको कोई भी जरूरत पड़े, इसको और मुझे ऑर्डर देना है, हम हाजिर हैं। तेलंगाना की जनता के लिए जो भी जरूरत होगी हम करेंगे। अब पूछो क्यों? क्योंकि जब भी हमारे परिवार को जरूरत पड़ी है, जब इंदिरा गांधी को जरूरत पड़ी थी, तो तेलंगाना की पूरी जनता, हर महिला, हर युवा ने इंदिरा गांधी जी की दिल से मदद की थी। ये हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। सोनिया गांधी ने आपके साथ मिलकर दिल से तेलंगाना दिया। हमें प्रजाला तेलंगाना चाहिए, दोराला तेलंगाना नहीं चाहिए। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को जिताइए, सपने का तेलंगाना बनाएंगे। सुन रहे थे आप प्रियंका गांधी के बाद यहां राहुल गांधी। और तेलंगाना को जब भी मदद की जरूरत पड़ी तो तेलंगाना के लिए गांधी परिवार खड़ा मिला, और गांधी परिवार को जब भी मदद की जरूरत पड़ी, दरकार पड़ी, तो तेलंगाना उनके लिए खड़ा मिला। इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक, सब ने तेलंगाना के लिए, या तेलंगाना ने इनके लिए, और उसके बाद अब राहुल और प्रियंका तेलंगाना के लिए खड़े मिलेंगे, ये बात कह रहे हैं यहाँ राहुल गांधी। अपने जज्बे के साथ राहुल गांधी एक विश्वास दिलाने की कोशिश यहाँ की जनता के ऊपर, और वो विश्वास कितना जनता के ऊपर है ये समझने के लिए हम लोग जब आगे बढ़े, हैदराबाद से बाहर निकल कर शादनगर और उसके बाद महबूब नगर तक पहुँचे। और आपको बता दूँ कि ये दोनों ऐसे ज़िले हैं, ऐसी विधानसभा सीटें हैं, कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं एमपी के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी, कि जहां पर टीआरएस का बोलबाला है, टीआरएस बड़ी दमदारी के साथ चुनाव जीतती आई है। लेकिन पहले हम पहुंचे शादनगर। शादनगर में लोगों से जब हमारी सहयोगी आंचल ने बात की तो लोगों ने क्या जवाब दिया, जरा शादनगर की कुछ तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं कि आपको किसकी सरकार चाहिए, किस पार्टी की सरकार चाहिए, किसको आप वोट देंगे, माहौल कैसा है, ये तमाम इस तरह के सवालों का जवाब देते हुए शादनगर के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उसको देख लेते हैं जल्दी से, देखिए जरा। केशवानी చెప్పిరు కదా అన్ని ఇయాలి అన్ని ఇస్తే ఆలు కూడా మళ్ళీ ఇంకా 10 ఇంకా 5 ఏళ్ళ అవతల చేస్తారేమో उन क्या बोल रही बोले तो 10 साल उन लोगों को देख लिया, खत्म हो गया उनका। अब एक बार मौका कांग्रेस दे देंगे, कांग्रेस क्या करता हम भी देखते हैं। 5 साल में बोल रहा कांग्रेस से उम्मीद है। चेतम कांग्रेस, बीआरएस और कांग्रेस, बीआरएस नहीं का मैडम इपड़ दाक उन्नत इपड़ कांग्रेस के तो बीआरएस नहीं कांग्रेस। आप बताइए कांग्रेस के तो कांग्रेस పదేళ్ళు నడిచింది కదా ఇప్పుడు చూస్తాము 10 సార్లు కర్ దియా నా అభి అబ్బు కాంగ్రెస్ ఓట్ దేంగే ఆ ఓయ్ బరాబర్ బరాబర్ ఆఖిర్ క్యూ కాంగ్రెస్ క్యూ ఇప్పుడు చూస్తాము వాళ్ళు కూడా మంచి చేస్తారా అన్నీ అని అలానే అని చేయాలి
सूतम चेप्तर कदा सूतम दस साल से बोल रहे काम भी नहीं किया। अभी जो कांग्रेस बोला ना छह गारंटी का वो करे दे तो हम 100% उसको डाले गारंटी। हाँ सिक्स गारंटी दिया ना कांग्रेस की। कांग्रेस क्यों कांग्रेस क्यों वाई कांग्रेस ఇప్పటి వరకు మాకైతే ఏం చేయలేదు కాంగ్రెస్ ఏమైనా చేసేదని మాకి టంగ ఇల్లు లేదు నేను వనమొచ్చి కూడా 40 ఏళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు ఇప్పటి వరకు నాకు ఇల్లు లేదు నా ఇంటికి మోర్ లేదు ఏది లేదు చెయ్యాలి అట్లా నా ఇంటికి రోడ్డు కూడా లేదు నేను ఇంద్రం ఇచ్చిన కోటాసులు ఉన్నా నేను అది మా మామకు వచ్చింది నా పేరు మీద కూడా లేదు అందులోనే ఉన్నా నేను కురుస్తా అని వస్తే వేరే ఇళ్ళలో కిరాయికి ఉంటా నేను అట్లా जो इंदिरम्मा घर जब जमा जमाने में दिया वही घर में रहे इन 10 साल में आके उन लोग कुछ भी नहीं करा हम इसलिए कांग्रेस को वोट डालते। ये क्या करा टीआरएस 3 काम कर तुम बोला था क्या करा है घर नहीं बनाया बगल डेट दे तुम बोला सुनो बगल दे तुम बोला घरा नहीं दिया कुछ भी नहीं करा उसके लिए ये मौका दिया गया 10 साल का मौका दिया उसको अब के बाद में नहीं कांग्रेस को डालेगा तो उन्होंने कुछ भी ना कुछ करेगा। आखिर कांग्रेस को क्यों बस वादे पूरे नहीं हुए इसलिए या कोई और रीजन है? हाँ आधे का लेकिन बात ही नहीं है इन्हों कर तुम बोला तो हामिल नहीं करा रहा 3 चीज़ा नौकरी चढ़ा तो बोला नौकरी नहीं चढ़ाया हाँ कर तुम बोला खत्म किधर जाके वो पिंचिंग वालों को लगा दिया बर्खास्त 4,000 और 2,000 कर दिया बरोबर अब कल के दिन उन्होंने आ जाएगा और ज़्यादा कर देगा उन्होंने कपड़े सब खोल देंगे पर रोडों पर बिकाएगा मतलब वो ना बोलते वो ना बोलते। हाँ आप बताइए क्या कर तुम बोल के लोगों को परेशान करके रोडों पर भीख मांग रहे बोल रहा जो बीआरएस की पार्टी जो काम कर तुम बोल के बच्चे रोडों पे पढ़ाई बच्चे है ना वो बच्चों पे रोडों पे आ गए रिक्शा कुंदल रहे ऑटो चला रहे एक घर के एक जाप दे तुम बोला बीआरएस पार्टी आने के बाद अब नहीं दिए इसे रोडों पे फिर रहे बच्चे खराब हो गए पूरा बोल के बोल रहा। अच्छा, बच्चे जो है वो खराब हो गए हैं बेरोजगारी है और इस वजह से वो इधर उधर घूम रहे हैं। यस वही बोल रहा हूँ बहुत खराब है पानी नल अभी दे रहे हैं नहीं दे तो इस बार आप किसे सपोर्ट करेंगे किन मुद्दों को रख के जाएंगे वोट करने? सपना कैसे यार क्या करे चावल देते वो देते घर देते वो देते बोले क्या नहीं दिया हमारा बेटी के कितना बार घर नहीं है क्या नहीं घर दिए नहीं दिया क्या नहीं है बड़े लोगों के दे रहे छोटे लोगों के छोड़ रहे। कांग्रेस पार्टी का वाले कांग्रेस पार्टी खचिता मैं इस गेल पिछकुटा मदेगा आप ये अपने मन से बोल रही है ना आप నా సొంతం నేను ఏడుకొచ్చైనా మాట్లాడగలుగుతాను తెలుగులో మాట్లాడితే బరాబర్ నేను తెలుగులో మాట్లాడతాను నాకు హిందీ రాదు उन्हें क्या बोल रहे हैं डबल बेडरूम नहीं दिए हमारे महिले में टीआरएस काउंसिलर जीता डबल बेडरूम नहीं आया हमारे गली में हमारे महिले में किसी भी नहीं आया एक भी नहीं आया आपके दबा हम कांग्रेस को वोट देना चाह रहे बोल के उन्होंने बोले दिल से बोल रहे मन पसंद से बोल रहे మేము రెంట్ కే ఉంటాం సొంత మిల్లు లేవు డబుల్ బెడ్రూమ్ కు మాస సార్ అప్లై చేసినాం చల్ సక్ ఫిల్ లోకో తమ్ ఘర్ హమ్ తో ఫిల్ లోకో కిరాయ ఘర్ మే అగర్ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ అయితే హమారా ఘర్ ఆతా బోల్ కే గ్యారెంటీ కిరాయ ఘర్ మే రెంట్ రెంట్ పర్ హా రెంట్ కు ఉంటాం। तो सुन रहे थे आप यहाँ ये शादनगर की जनता है जो कांग्रेस को पसंद कर रही है और कह रही है कांग्रेस को ही हम वोट देंगे। ऐसे बहुत हैं और ऐसा नहीं कि 100% सारे लोग यही कह रहे हैं लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस के पक्ष में ये माहौल दिखाई दे रहा है तो जमीनी हकीकत आप समझ सकते हैं। यहां से आगे बढ़कर जब हम महबूब नगर पहुंचे तो उसी बीच एक खबर और आ रही थी कि राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स के साथ में ऑटो रिक्शा चालकों के साथ में और सफाई कर्मी महिलाओं से पुरुषों से बातचीत की है इंटरेक्शन किया है 1-to-1 और उनके बीच जब राहुल गांधी पहुंचे ऑटो रिक्शा वालों के बीच में तो राहुल गांधी ने उनकी ड्रेस को भी उनकी कमीज को भी पहना जैसे आप याद कीजिए जैसे आनंद नगर रेलवे टर्मिनल पर जब राहुल गांधी पहुंचे थे तो रेल स्टेशन पे तो वहां उन्होंने कूली के ड्रेस में के लिए जो लिबास है वो पहना था और आज ऑटो रिक्शा के लोगों की लिबास को उन्होंने धारण किया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे इस तस्वीर में आपको साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी जो हैं वो ऑटो रिक्शा चालकों के बीच उनकी तरह से जा रहे हैं और इधर राहुल गांधी जब इन लोगों से मुखातिब हो रहे थे तो हमारी सहयोगी आंचल ने महबूब नगर में ऑटो रिक्शा चालकों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो क्या सही कर रहे हैं आप राहुल गांधी से कितने इन्फ्लुएंस्ड हैं आखिर यहां पर तेलंगाना में आप किसकी सरकार चाहते हैं क्या कुछ कह रहे थे ऑटो रिक्शा चालक लोग जरा सुन लीजिए।
माहौल यहाँ का, कांग्रेस और बिहार कांग्रेस क्या है राजनीतिक माहौल यहाँ का, कांग्रेस या बीआरएस, कौन सी पार्टी? कांग्रेस आते हैं। कांग्रेस क्यों? क्या है राजनीतिक माहौल यहाँ का, बीआरएस और कांग्रेस? बीआरएस। कांग्रेस और बीआरएस? कांग्रेस। वाय हिंदी आती? हाँ हिंदी रोज। अच्छा, तो कांग्रेस क्यों कांग्रेस? कांग्रेस आने से क्या होता, कुछ ना कुछ तो बदलता। अब तक तो तेलंगाना में कुछ भी नहीं हुआ, गरीबी वजी से, जैसी की वजी से, किसको क्या दिए ने, कुछ भी नहीं। गरीबों को कुछ भी नहीं दिए, पूरा इलाय खा गए। क्या देने वालों को दिए नहीं, नहीं देने वालों को बढ़ते गए। इलेक्शन चल रहा है तो क्या माहौल है इलेक्शन का? इंग्ले इलेक्शन में तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस है भी महबूब नगर, पूरा मगध में भी कांग्रेस ही आई। अब आपको बता दें, ये जो महबूब नगर है ये टीआरएस का गढ़ माना जाता है। केसीआर जो है उनकी ये लोकसभा सीट भी रही है 2009 की। अब यहाँ पर आप बोल रहे हैं कांग्रेस, ऐसा क्यों? कांग्रेस बदलना चाहिए, कोई तो एक बदलते जाना, कुछ करे नहीं, कोई भी क्या भी कुछ करे नहीं है। नए लोग आएंगे तो कुछ तो भी करेंगे। तो दोस्तों आप सुन रहे थे, यहाँ जो लोग कह रहे हैं और यहाँ बताने की कोई जरूरत नहीं है, और कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, जो आपको दिखाई दे रहा है वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जो अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल आप सही देख रहे हैं। और राहुल गांधी अपनी बातों के कितने करीब हैं ये जानने की हमने कोशिश की थी, और उसके कुछ नमूने आपके सामने हम पेश कर रहे थे। कल भी कुछ एरिया में हम लोग गए, आज भी कुछ एरिया में गए, और खासकर गाँव में जाकर हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि हैदराबाद से जब आप बाहर निकलिए, क्योंकि हैदराबाद में एक पार्टी और है, MIM, और यानी असदुद्दीन वैसी की पार्टी है, और उसका प्रभाव भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। और बहुत से लोग वोकल नहीं हैं, ऑन कैमरा कुछ और बातें करते हैं, ऑफ कैमरा कुछ और बातें करते हैं। वो ऑफ कैमरा जो बातें करते हैं, और जैसे ही हम कहते हैं कि चलिए ऑन कैमरा बात कर लेते हैं, तो वो खिसक लेते हैं, वो डरते हैं, ऐसी चीजें भी हैं। और चाहे वो VRS के बारे में बात करनी हो या MIM के बारे में बात करनी हो, खासकर यहां हैदराबाद में अगर कांग्रेस का नाम लेने वाले लोग अगर 50-50% पे आ जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ तेलंगाना में क्या कुछ चल रहा है। इसलिए हैदराबाद से बाहर निकलकर कल भी हमने कोशिश की वहाँ से आप लोगों तक बहुत सारी चीज़ें पहुँचाने की, और आज भी कोशिश की है। तेलंगाना का चुनाव दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रखा है, इसलिए भी क्योंकि ये चुनाव अगर कांग्रेस पार्टी जीत जाती है तो 2024 के लिए एक अलग रणनीति के साथ में कांग्रेस पार्टी आएगी, और कांग्रेस के साथ पूरा का पूरा इंडिया अलायंस है, इंडिया गठबंधन है, और इंडिया गठबंधन भी नजरें टिकाए हुए है, उसके तमाम दल जो है नजरें टिकाए हुए हैं खासकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, की तरफ इसलिए क्योंकि एक नहीं बल्कि पांच राज्यों में चुनाव हैं, और पांचों राज्यों में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ, दमदारी के साथ चुनाव लड़ रही है। इसलिए भी यहां अगर तेलंगाना का चुनाव और जिन चीजों को आप देख रहे हैं इसी में ये रिजल्ट तब्दील होता है, तो बहुत कुछ हम अलग देखेंगे आने वाले समय में। आइए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं, समय भी ज्यादा ले चुका हूं मैं। अब हमारे तमाम साथियों से आपका परिचय करवाता हूं। यहां ग्राउंड पे हमारे साथ हमेशा की तरह प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और स्वागत इस्तकबाल हमारे कुछ साथी जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उनका भी करता हूं। जरा स्क्रीन पर ले आइए उन तमाम साथियों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए इस बीच इस वक्त हमारे साथ एक लंबे अंतराल के बाद मीनू जैन जी जुड़ी हुई हैं। मीनू जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ संजय कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर रवि कांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सातों का स्वागत है, इस्तकबाल है। लगातार बहुत गंभीरता से मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग इस जो वीडियो हम दिखा रहे थे उसको आप लोग देख रहे होंगे। ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं हमारे पास ऑन कैमरा, लेकिन समय की कमी है जिसमें हम ये दिखा सकते हैं कि जब आप पूछ रहे हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत में एक फर्क है प्रशांत टंडन जी, कि यहां मुखर होके खुल के लोग बातें कर रहे हैं। कोई बात नहीं कर रहा है तो नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो खुल के कर रहा है। उसको ये नहीं कहना पड़ता है घुमा फिरा करके कि अच्छा क्या चाहते हैं, कैसा माहौल लग रहा है। उनसे सीधा, जैसे अभी आंचल पूछ रही है कि कांग्रेस या BRS, खुल के बोलते हैं। केवल एक ही बैरियर है, भाषा का, और वो भाषा का बैरियर अगर ना हो तो और भी खुले तौर पर बात हो सकती है। लेकिन जब कल और आज दो दिन हम बाहर निकले हैं और हमने देखा है
तब हमको समझ में आया कि क्यों मोदी साहब अचानक तेलंगाना से विड्रॉ हो गए, और ये और विड्रॉ किस लिए हुए, जो बात तीन चार दिन पहले शायद रविकांत जी ने कही थी कि अपना वोट ट्रांसफर वो बीजेपी कराएगी टीआरएस के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो। मुझे लग रहा है कि वो वक्त आ गया है, और इसीलिए मोदी साहब ने एक संदेश दे दिया है अपने वर्कर्स को भी कि तेलंगाना उनके लिए नहीं है। आप याद कीजिए कि हम जब इश्तिहार दिखा रहे थे तब भी हम ये बात कहते कि बीजेपी दूसरे राज्यों में जिस तरीके के इश्तिहार देती है वो अब जहाँ पे जो है आधे पेज का देती है, और आज जो अखबारों में यहाँ इश्तिहार आए हैं उसमें एक परिवर्तन आ गया है, जो संदेश काफ़ी साफ है कि मोदी जी के साथ नड्डा जी की फोटो भी इस इश्तिहार में आ गई है, वो भी बराबरी के साथ, बराबरी उतनी ही बड़ी फोटो। तो बहुत क्लियर संकेत तेलंगाना से कि बीजेपी यहाँ से कम्प्लीटली विदड्रॉ कर चुकी है। आप देखिए राजस्थान का चुनाव हो रहा था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को किनारे दरकिनार करते हुए वो मथुरा में चले गए एक संदेश देने के लिए, उनका जो अपना चहेता मीडिया वो उसको दिखाता दिन भर, और ये मोदी जी की हर पोलिंग के समय हर चुनाव में रणनीति होती है, और आखिरी वक्त वो ज़रूर ताकत लगाते हैं। और आज जब सभी पॉलिटिकल पार्टी ने, हम लोग ग्राउंड पे थे, वर्कर्स मोटरसाइकिलों से थे, रैलियां हो रही थी, रोड शो हो रहे थे, मोदी साहब गायब थे, तो बहुत साफ संदेश है कि बीजेपी यहाँ पे नहीं है, और मुख्य लड़ाई बीआरएस और कांग्रेस में है। और उसमें भी जब हम आज निकले, जैसा आपने दिखाया कि, और हम उन इलाकों में गए राजीव जी जो बीआरएस के स्ट्रांग होल्ड हैं, उन दोनों इलाकों का हमने चूज़ ही इसीलिए किया, इसीलिए उनका चयन किया कि इन दो इलाकों में जाना है जहां बीआरएस के सबसे ज़्यादा, यानी लोकसभा कंस्टिट्यूंसी के अंदर जितनी 7 अगर असेंबली आती हैं तो 7 में से 6 बीआरएस के पास है, उन जगहों पर हम गए, और वहाँ जो राय दिखाई दी, आपने दिखा दिया अभी कि लोग कांग्रेस के पक्ष में कितने खुले तौर पे बातें कर रहे हैं, तो बहुत साफ एक इंडिकेशन तेलंगाना से मिल रहा है कि यहाँ पे कांग्रेस बहुत मजबूत है बीआरएस के सामने, और लड़ाई जो है वो बहुत दिलचस्प होगी 3 तारीख को। जी, हो सकता है कि चौंकाने वाले नतीजे आए हैं, लेकिन उससे पहले लड़ाई बहुत ही दिलचस्प है तेलंगाना की, और इस लड़ाई में बीआरएस के सामने कांग्रेस बहुत ही मजबूती के साथ फाइट करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनमें से आना चाहता हूं सीधा सबसे पहले मीनू जैन जी के पास में। मीनू जी, आपसे समझना चाहता हूँ, राजस्थान को आप बहुत नज़दीक से देख चुकी हैं, तेलंगाना की रिपोर्ट हम आप तक पेश कर चुके हैं, कुछ कुछ चीज़ें अभी रख चुके हैं, कुछ बातें और आगे करेंगे, लेकिन पहला पॉइंट ऑफ व्यू आपसे कि तेलंगाना के इस चुनाव को कैसे देखा जाए। जी राजीव जी, देखिए मैं तेलंगाना राज्य जब गठन हुआ वहां से शुरू करूंगी। देखिए जहां भी नए राज्य के निर्माण को लेकर आंदोलन होते हैं तो जनरली एक ट्रेंड है इस देश के अंदर कि जो संगठन इस राज्य निर्माण की के लिए आंदोलन करता है अक्सर वही संगठन सत्ता में आता है। यही तेलंगाना में भी हुआ, केसीआर का जो तेलंगाना राष्ट्र समिति जो संगठन था वो आंदोलन करता रहा, और आंदोलन होने के बाद वो जनता ने चुनाव में उन्हीं को चुना। कांग्रेस जो जिसने की इस राज्य का निर्माण किया, इनफैक्ट तो देखिए दर्शकों की सुविधा के लिए मैं बता दूं कि कांग्रेस वो यूपीए सरकार थी जिस मनमोहन सिंह के समय जिन्होंने की तेलंगाना राज्य का गठन किया था, तो उस वक्त जब चुनाव हुए तो वहां की जनता ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। डेफिनेटली उनका स्वाभाविक था कि झुकाव केसीआर की तरफ, पार्टी की तरफ था, क्योंकि उसने आंदोलन किया और कुर्बानियां भी दी थी राज्य निर्माण के लिए। तो वो केसीआर को 5 साल का टर्म दिया, उसके बाद फिर एक बार और, जो इस देश में रिवाज है कि चलिए 5 साल का समय कम है, दोबारा से इनको मौका दिया जाए। हालांकि केसीआर ने किया, कुछ हद तक काम किए जनता के लिए, लेकिन इसी दौरान मोदी जी राष्ट्रीय परिदृश्य पे अवतरित हुए, और उसके समय से लेके तब से लेके एक देश की फिजा में एक जो बदलाव आया, जो नफरत की आंधी इस देश के अंदर बहने लगी, उसको तेलंगाना की जनता उससे सशंकित हो गई, आशंकित हो गई, और उन्होंने देखा कि केसीआर का जो झुकाव है वो भाजपा की तरफ
बढ़ रहा है, जिसकी की पुष्टि स्वयं मोदी जी ने एक चुनावी सभा में कर दी और कल परसों भी की कि केसीआर एनडीए में शामिल होना चाहते थे। तो जनता को यह लगा कि अगर हम केसीआर की पार्टी को वोट देते हैं, तेलंगाना राष्ट्र समिति, अब बीआरएस है उसका नाम, उसको वोट देते हैं तो ये भाजपा के साथ शामिल हो जाएगी, जिसका कि वो टाइम टू टाइम मुजाहरा करते भी रहे कि बिलों लोकसभा में राज्यसभा में बिल्स को पास करने में भाजपा का समर्थन करते रहे केंद्र सरकार का। उसके अलावा एक जो मेरी समझ जो कहती है, एक बहुत बड़ा फैक्टर यह भी रहा कि केसीआर इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुए। उसने जो तेलंगाना की जनता थी, मुझे ऐसा लगता है कि तेलंगाना की जनता 100% ये चाहती थी कि केसीआर बगैर किसी शर्त या हीला हवाली के इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। लेकिन केसीआर उस वक्त लोगों को पता नहीं था, ये बाद में चीजें खुल के आई कि शराब घोटाले में उनकी बेटी का नाम भी फंसा हुआ है। उसके लिए ईडी ने उनको समन्स भी भेजे, वो पेश नहीं हुई। उसके बाद जो भी परिस्थितियां बनी और उसके बाद वो केस उनके खिलाफ ठंडे बस्ते में चला गया। तो अब जो जनता है तेलंगाना की, उनको इस बात से नाराजगी है। मेरा मानना ऐसा है कि इंडिया गठबंधन में शामिल ना होना केसीआर के ग्राफ को नीचे अचानक ले गया, और अचानक से जो कांग्रेस का 2 महीने में जो ग्राफ ऊपर गया और बीजेपी नीचे आई, वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद कांग्रेस के जो वहां पे जो ये प्रदेश अध्यक्ष है रेवंत रेड्डी, डेफिनेटली उन्होंने संगठन की दृष्टि से भी और पार्टी की विचारधारा के प्रमोशन की दृष्टि से भी बहुत जोर शोर से काम किया और बड़ी मजबूती से काम किया। उसका जो आज आपको दिखाई दे रहा है, जो आप दिखा भी रहे हैं कि आम सड़क का जो आदमी जो असल में वोट देने जाता है और बड़ी तादाद में जाता है, वो कांग्रेस की तरफ रुझान है। आप देखिए, क्योंकि तेलंगाना एक सुशिक्षित राज्य है, तो वहां की जनता अवेयर है कि कांग्रेस शासित अन्य प्रदेशों में क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कर्नाटक में सरकार बनी है, हिमाचल में सरकार बनी है, और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जो कहा उससे ज्यादा करके दिखाया वहां की सरकारों ने, कांग्रेस शासित सरकारों ने। तो उनको ये लगता है कि हमें अब कांग्रेस के पक्ष में वोट देना है। और देखिए, अविभाजित आंध्र प्रदेश, जिसका कि तेलंगाना एक हिस्सा था, वहां पे वो हमेशा से कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ रहा है। तो उसके जो बीज थे, वो जो जमीन के अंदर दब गए थे, वो दोबारा से प्रस्फुटित हो गए हैं। आप देख रहे होंगे कि इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी, सोनिया अम्मा, इंदिरा अम्मा, और उसके प्रति अभी भी वो लगाव की भावना है, वो दोबारा से जन्म ले गई है। वो आज आपकी बातचीत में आम आदमी से सामने निकल के आया है, और मुझे तो लगता है कि अभी यहाँ पे कांग्रेस की सरकार क्लियर मेजोरिटी के साथ बन जाएगी। जी जी मीनू जैन जी, बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। कह रही हैं कि कांग्रेस की सरकार, उन्हें लग रहा है कि क्लियर मेजोरिटी के साथ बन जाएगी। आगे देखते हैं, 30 नवंबर को पहले मतदान है और मतदान करने ज़रूर जाइए। जो तेलंगाना के वोटर्स हैं उनसे ये अपील है, और उसके बाद 3 दिसंबर को जब रिजल्ट तमाम 5 राज्यों के आएंगे तो उसमें तेलंगाना भी है, और वो रिजल्ट हम सुबह 6 बजे तक आपके साथ रहेंगे रिजल्ट वाले दिन, और पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुँचाएंगे। आना चाहता हूँ प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, क्या कुछ परिवर्तन आप देख रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, उस आधार पर जरा आपसे समझना चाहता हूं, आप लोगों के विश्लेषण में भी कोई अंतर आया है क्या इस रिपोर्ट को देखकर? देखिए राजीव जी, जिस परिवर्तन की आपने बात की, मैं मीनू जैन की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं कि जो नरेंद्र मोदी ने नफरत की आंधी पैदा की थी इस देश में, उसे राहुल गांधी ने मोहब्बत के तूफान में बदल दिया है। और वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान से होते हुए तेलंगाना में भी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। आज का ही आप परिदृश्य देखें, आपने भी दिखाया और मैंने भी अपने स्तर पर वहां जो थोड़ा बहुत वीडियो देखा, जो कुछ पढ़ा, सोनिया गांधी जिस तरह से लोकप्रिय है तेलंगाना में और इंदिरा गांधी की लोग याद करते हैं, वो तेलंगाना है जो आपातकाल के बाद कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी थी उत्तर भारत से, उसे एक सम्मानजनक स्कोर इसी दक्षिण भारत ने दिया था।
एक अच्छी अपील रही है, उनकी लोकप्रियता रही है इंदिरा गांधी की, और आज सोनिया गांधी बेहद लोकप्रिय है। इंदिरा अम्मा के बाद अब सोनिया अम्मा की बात होती है, और आज उन्होंने मैसेज दिया कि जो दोरला की सरकार है उसे प्रजाला की सरकार में बदल दे तेलंगाना की जनता, और इसका असर आपको दिखाई पड़ रहा है। आपकी रिपोर्टर ने भी जिन लोगों से बात की वो दिखाई दे रहा है। और इधर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद इस समूचे भारत के जनमानस के नायक बनकर के उभरे, और मैं बार बार कहता हूं कि जिस व्यक्ति के पीछे देश की जनता होती है असली नायक वही होता है, महानायक वही होता है। भक्त मंडली की जरूरत नहीं होती, नारे वो मोदी मोदी के नारे लगवाने की जरूरत नहीं होती है किसी महानायक को। लोग राहुल गांधी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए और उनके उस हिम्मत को सलाम करने के लिए लोग सड़क पर आ रहे हैं, और इसलिए आ रहे हैं कि चाहे वो 55 घंटे की ईडी की रेड हो, बिठा कर रखना हो, 5 दिन लगातार बुलाना हो, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने अपने उस ईडी और सीबीआई के जरिए प्रताड़ित किया है कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को, और इस देश की जनता वैसे ही हलकान है, आपने उनको सड़क पर ला करके खड़ा कर दिया कि 5 किलो राशन के लिए झोले की लाइन लगा करके खड़े हुए, लोगों का रोजगार आपने छीन लिया। कोरोना में लोग पैदल चल रहे थे, मर रहे थे, पैर लहूलुहान थे, लेकिन नरेंद्र मोदी नदारद थे। तो वो एक नहीं, ऐसे तमाम घटनाएं, तमाम परिदृश्य, किसानों के आंदोलन में क्या हुआ था, शाहीन बाग के आंदोलन में क्या हुआ था। ये सरकार जितनी बेरहमी के साथ बात कर रही थी कि आप चेहरे से पहचानिए, और न जाने किस किस तरह की बातें जिनको दोहराना भी ठीक नहीं लगता है, एक ऐसे माहौल में हवा के तेज झोंके की तरह, बिल्कुल टटके झोंके की तरह राहुल गांधी जब निकलते हैं और 5,000 किलोमीटर पैदल चलते हैं, तो मैं जिस बात को बार बार कहता हूं फिर कह रहा हूं कि उस तानाशाह के अहंकार को चूर करके और देश के जनमानस के साथ अपनी आवाज बुलंद करके राहुल गांधी ने इस देश के लोगों का नायक बना करके अपने आप को सामने खड़ा कर दिया है। और यही वजह है कि आज तेलंगाना में अगर कांग्रेस पार्टी को लेकर के लोग बात कर रहे हैं कि वो एक व्यक्ति है जो ईमानदारी से बात करता है, अगर जो गारंटी दे रहा है तो वो मोदी की तरह जुमलेबाजी नहीं होगी, और इसीलिए लोग कांग्रेस की गारंटी की बात करें, ये शब्द बहुत तेजी से उभर करके आया है, जैसे जुमला आया था। अब यहां हजारों करोड़ रुपया खर्च करके आपने पप्पू शब्द को बड़ा लोकप्रिय बनाया था, लेकिन एक डायलॉग ने पानी फेर दिया और पनौती लोकप्रिय हो गया। राजीव जी, इस समय आपको हर जगह पनौती दिख रहा है। तो ये तो वो लोग हैं जिनकी पूरी संरचना ही, पूरा आधार ही झूठ पर केंद्रित है। झूठ का बाजार ज्यादा दिन नहीं चलता। अब सच जो सामने आया है उसके बाद लोग उस उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं, और इसीलिए आपको हैदराबाद में या पूरे तेलंगाना में वो परिदृश्य दिख रहा होगा कि लोग किस तरह से विश्वास जाहिर कर रहे हैं कांग्रेस के प्रति। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक विश्वास दिखता है, वो विश्वास जाहिर कर भी रहे हैं लोग, और उसकी तस्वीर कुछ बानगी आप तक हम पहुंचा चुके हैं। प्रेम कुमार जी, जरा आपसे भी समझूं, कैसे देख रहे हैं आज आखिरी दिन, चुनाव प्रचार का शोर खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद जो चीजें अभी आनी है वो है रिजल्ट। रिजल्ट से पहले जो चुनाव लड़ा गया, 5 राज्यों के चुनाव और उसमें भी खासकर तेलंगाना का चुनाव, क्यों इतना महत्वपूर्ण है कांग्रेस पार्टी के लिहाज से? जी जी, शुक्रिया राजीव जी। देखिए, 5 राज्यों का जो चुनाव है, हर प्रदेश का चुनाव अपने अलग कारणों से खास है। अनम्यूट कर लीजिए, लेकिन तेलंगाना नहीं आ रही। आवाज मिल रही होगी मुझे लगता है। देखिए, तेलंगाना खास है, और इसका कारण है कि तेलंगाना एक रीजनल पार्टीज का वहां शासन है, और उससे कांग्रेस उस प्रदेश को छीनेगी अगर कांग्रेस जीतती है। और इसका दूसरा कारण यह है कि तेलंगाना में कांग्रेस को अपना वो खोया हुआ जनाधार, वो खोए हुए
खोया हुआ समर्थन वापस मिलेगा जो लंबे समय से कांग्रेस से दूर रहा है। और कांग्रेस जब कभी भी सत्ता में आती है तो उसमें दक्षिण के समर्थन का बहुत बड़ा योगदान होता है। इन सब कारणों से तेलंगाना महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो फिजा दिख रही है उसमें ये संदेश भी मिल रहा है कि स्वयं उस क्षेत्र से जहां AIMIM का गढ़ है ग्रेटर हैदराबाद वाले इलाकों में, वहां भी कांग्रेस उभरती हुई और बड़ी शक्ति के रूप में सामने आ रही है। वो कांग्रेस के लिए अभी जो हालिया जो भी पूर्वानुमान आए हैं उसका अगर आकलन करते हैं तो कांग्रेस को लगभग 14% से ज़्यादा वोट शेयर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं पूर्वानुमानों में, तो और BRS को 6-8% तक वोट उसके गिरते नज़र आ रहे हैं, 8% तक, 46 से कोई 37 बता रहा है, कोई 38% बता रहा है। तो ये जो दिख रहा है, इसके अलावा AIMIM के भी वोट समर्थन में और सीटों में कमी दिख रही है, ये बहुत मार्केबल बात है। इसका मतलब ये है कि तेलंगाना की जनता ये भूल करके कि वो किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, वो सीधे कांग्रेस की ओर वापस लौट रही है। ये संकेत जो है पूरे देश के लिए है, और इसीलिए वो नारा हमें नरेंद्र मोदी जी का याद आता है जो उन्होंने कहा है 3 दिसंबर कांग्रेस छुमंतर, और देखिए तेलंगाना में वो स्वयं छुमंतर हो। पनौती शब्द की बात भी यही याद आती है कि आपने कहा, जैसे कहा था कि 3 दिसंबर और कांग्रेस छुमंतर, पनौती तो आपने उसी दिन अपने लिए संबोधन बुला लिया था क्योंकि ये छुमंतर कांग्रेस के लिए नहीं BJP के लिए होने वाला है। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि तेलंगाना में जो लड़ाई चल रही है राजनीतिक रूप से वो BJP प्लस AIMIM प्लस PRS और बनाम कांग्रेस, ये लड़ाई शार्प हो गई है। जो कोशिश नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम समय में आकर मामले को त्रिकोणात्मक बनाने की भी की तो जनता त्रिकोणात्मक के लिए भी तैयार नहीं है। हम आपके चैनल में बहुत पहले से ये बात सब लगभग शुरुआती लोगों में से हो रहा हूँ जिन्होंने कहा था कि तेलंगाना में कांग्रेस वापसी कर रही है और मजबूती से कर रही है। उस समय कोई कहने वाला नहीं था कि तेलंगाना में कांग्रेस आ सकती है, और आज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हालात समर्थन बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ चुका है कि कांग्रेस 80 सीटें जीतने जा रही है 119 में 80 सीटें जीतने जा रही है। और हम 3 दिसंबर को बात करेंगे इस विषय पर। ये ऐसे ही नहीं हुआ है, लगातार मेहनत से हुआ है और कांग्रेस सक्रिय रही है सैद्धांतिक स्तर पर, कार्यक्रमों से, अपनी नीतियों से, इंटरेक्शन से, और सबसे बड़ा एक क्रेडिबिलिटी बनाई है कि BRS के समांतर अगर कोई बेहतर प्रशासन, बेहतर सरकार कोई दे सकता है, भ्रष्टाचार से कोई मुक्त करा सकता है तो वो कांग्रेस ही है। BJP वो नहीं काम कर सकती क्योंकि ये लोग सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, इस बात को कांग्रेस ने एस्टैब्लिश किया है। तो इस वजह से जो कांग्रेस जीत रही थी अब जीत ही नहीं रही है, क्लीन स्वीप करती हुई आगे बढ़ती हमें दिख रही है तेलंगाना में। जी राजीव जी, तेलंगाना में क्या कुछ होने जा रहा है इस पर हम विश्लेषण कर रहे हैं। आज चुनाव का शोर खत्म हो चुका है और चुनाव के शोर के बाद का विश्लेषण और फिर 3 तारीख का इंतजार, लेकिन उससे पहले 30 नवंबर को जाइए और वोट दीजिए। जो तेलंगाना के हमारे दर्शक साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे ये जरूर अपील है, अपनी सरकार चुनिए। और आज जब हम इस बात की तहकीकात कर रहे थे कि आखिर तेलंगाना के लोग क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं, तो बहुत ही मुखर होकर मैक्सिमम लोगों का कहना था, जैसा यहाँ कह रहे हैं हमारे साथी प्रेम कुमार जी, कि कांग्रेस की सरकार उन्हें चाहिए। राहुल लाल जी, कैसे देखा जाए तेलंगाना से कांग्रेस पार्टी अगर जीत कर सरकार बनाती है तो फिर आगे, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले तेलंगाना और कांग्रेस और BRS इस पर आपका विश्लेषण। देखिए, जो पनौती शब्द का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के लिए हो रहा था, अब हमें लग रहा है कि तेलंगाना चुनाव के बाद उन सभी लोगों के कान अब खड़े हो जाने चाहिए जो लोग भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन कर रहे हैं।
यानी अब देखिए जो भारत राष्ट्र समिति है वो एक तरह से पर्दे के पीछे थी, खुल के वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में नहीं थी, लेकिन उनके पास भी अब यह मुसीबत आ चुका है कि वो देखिए पनौती शब्द सब वो भी जो है कि वो पूरे के पूरे धब्बा भारतीय जनता पार्टी का धब्बा लेके वो खुद घूम रहा है अपने ऊपर। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कविता जी को जो है कि अग्रिम जमानत दी थी वो 23 नवंबर तक के लिए दी थी राजीव जी, और आज सोचिए कि उसके बाद से अभी तक एजेंसियां 23 नवंबर का डेट पार हो चुका है, लेकिन अभी तक कविता के ऊपर कोई भी कार्रवाई करने के लिए जो केंद्रीय एजेंसियां वो सक्रिय नहीं हुई। तो लोग बिल्कुल पूछ रहे हैं सवाल कि आखिर ये रिश्ता क्या है, ये गठबंधन क्या है। और जो जो चुनाव है तेलंगाना के, वो चुनाव को अगर हम लोग देखें, कभी तो हमें पश्चिम बंगाल का चुनाव याद आता है, कभी हमें जो है कि वो कर्नाटक के चुनाव याद आ रहे हैं। अभी देखिए अगर यहाँ पर हम लोग देखें कि चुनाव इतना ज्यादा द्विपक्षीय हो चुका है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और वहां पे टीएमसी आमने सामने में थी, या फिर कर्नाटक में हम लोग देखें तो वहां पे जो है कि सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आ गई थी आमने सामने, क्षेत्रीय दल गायब हो गए। तो उसी तरह से यहाँ पे ये जो चुनाव है ये सीधे सीधे बीआरएस और कांग्रेस के बीच का चुनाव है, कांग्रेस ने इसमें बहुत बड़ी पकड़ हासिल की है और इसको समझना पड़ेगा। देखिए कांग्रेस अपने क्षेत्रीय नेतृत्व को पर्याप्त महत्व प्रदान कर रहा है, रेवंत रेड्डी की चर्चा हम लोग काफी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को भट्टी विक्रमार्क जी की भी चर्चा करनी पड़ेगी। जब राहुल गांधी ने अपनी यात्रा वहां पे खत्म कर ली थी तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद भट्टी विक्रमार्क जी ने उन्होंने 1100 किलोमीटर की लंबी यात्रा चल ली, और कांग्रेस ने जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जोड़ी के ऊपर वहां पर विश्वास किया राजस्थान में, या फिर टीएस सिंहदेव और जो है कि भूपेश बघेल के ऊपर वहां विश्वास किया, या दिग्विजय सिंह और प्लस जो है कि कमलनाथ के ऊपर मध्य प्रदेश में विश्वास किया। उसी प्रकार से दो बड़े नेताओं को यहां पर भी वो सामने में लेके आए, यानी अपने क्षेत्रीय नेतृत्व के ऊपर वो पूरा विश्वास कर रहे हैं। यह है कांग्रेस की जीत का नंबर वन कारण। नंबर टू कारण अगर मैं कहूं, जहां पे कांग्रेस ने जो अपनी गारंटियां दी है उन गारंटियों के ऊपर सबों को विश्वास है कि कांग्रेस की गारंटी मतलब गारंटी होती है। देखिए बीआरएस की कई योजनाएं थी, लेकिन वो योजनाएं भ्रष्टाचार के मुंह पर चढ़ गई हैं, और आज हर कोई सवाल पूछ रहा है कि 2014 में जो इनके जो इन लोगों की संपत्ति कितनी थी और आज 2023 में संपत्ति कितनी है। तो भ्रष्टाचार का मामला जो कर्नाटक में बहुत बड़ा मामला बना था, जो भी मध्य प्रदेश में काफी बड़ा मामला बना, वो मामला यहाँ पर भी काफी बड़ा मामला बना। और जैसा कि आपने बताया कि आपने ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाया, उसी तरह से मैंने भी कई और लोगों से बातचीत की, बिल्कुल जमीनी स्थिति यही है। जो एक तरह से साउथ तेलंगाना है जो कि बिल्कुल बीआरएस का सबसे ज्यादा अभेदगढ़ है, तमाम ग्राउंड रिपोर्ट करने वाले लोग बोल रहे हैं कि वहां पर कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है। अगर बिल्कुल अभेदगढ़ में अगर कांग्रेस क्लीन स्वीप की स्थिति में है तो दूसरे जगहों पर क्या स्थिति होगी। जो सूचनाएं आ रही है बीआरएस की तरफ से कि बीआरएस अब 119 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ रही है राजीव जी, बीआरएस अब अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने 65 सीटों पर फुल फोकस कर दिया, यानी उसने पूरी ताकत 65 सीटों पर लगा दी कि किसी तरह से बहुमत आ जाए, और अगर वो बहुमत ना आ पाए तो किस तरह से ओवैसी उनको मदद करके कुछ सीटों का मदद ओवैसी भी कर दें। लेकिन तमाम लोग अब जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रहा है वो भी चौंकाने वाले रिपोर्ट है कि ओवैसी जी की कुर्सी खुद ही खिसक रही है और कांग्रेस बड़ी चक्कर दे रही है, यानी वहां तो उनके प्रति नाराजगी है। वो जो पर्देदारी था कि ओवैसी बीजेपी के साथ मिले हुए नहीं है, जो पर्देदारी वो कर रहे थे वो पर्देदारी राहुल गांधी ने बड़े शानदार ढंग से खत्म कर दी। इस कारण से अब हर कोई ये चीज कह रहा है कि 7 सीटें जो पिछले बार वो लेके आए थे वो 7 सीटें वो कभी भी अब वापस रिटर्न नहीं कर सकते, उनको कुछ सीटों का नुकसान जरूर होगा, वो तो हम लोग 3 दिसंबर को देखेंगे। यानी जो लोग बीआरएस को मदद कर सकते थे कि कुछ सीट घटने के ऊपर जिनका मदद लेके वो सरकार बनाते, वो मदद करने वाले तंत्र के ऊपर भी कांग्रेस का जोरदार हमला हो चुका है। और एक महत्वपूर्ण चीज कि जो बीआरएस की तरफ से कांग्रेस के ऊपर हमले हो रहे थे कि कांग्रेस तो परिवारवादी पार्टी है परिवारवादी पार्टी है, लेकिन ग्राउंड से यह चीजें आ रही है कि ये हमला एक तरह से बीआरएस को ही जो है कि उसी के ऊपर भी एक हमला हो जा रहा है। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि बीआरएस को कौन चला रहा है, भाई वो है बीआरएस चीफ है, उनके बेटे हैं, उनकी बेटी है और एक उनका भांजा है, यानी 4 सदस्यीय लोग जो है कि पूरा का पूरा पार्टी चला रहे हैं, और पिछले 10 साल में जनता की जो आकांक्षाएं थी वो पूरी ना करके पूरे के पूरे भ्रष्टाचार में इन्होंने जो है कि जोड़ दिया। इसलिए योजनाएं देखने सुनने के लिए काफी अच्छी थी, उन योजनाओं की चर्चा न केवल राष्ट्रीय स्तर पर हुई बड़े स्तर पर भी चर्चा हुई, लेकिन वो योजनाएं जमीन पर लागू नहीं हो पाई है ढंग से। जहां जमीन पर लागू हुई वहां पे आपको बीआरएस के समर्थक जमीन पर दिख रहे होंगे, लेकिन अधिकांश जगह वो जमीन पर लागू नहीं हुआ। तो ये ऐसे कारण है जो आपने हेडिंग लगाए कि चौंकाने वाली है तेलंगाना की जमीनी हकीकत। बिल्कुल तेलंगाना जो है वो अभी बिल्कुल चौंकाने वाला है, और वहां पे मैं कहूंगा कि बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी करनी पड़ेगी सबों को कांग्रेस के सामने।
जी कांग्रेस के सामने बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी करनी पड़ेगी उन तमाम दलों को जो चुनौती देने के लिए सामने खड़े हैं, और सबसे बड़ा दल जो है वो है बीआरएस, जो पहले टीआरएस होता था, तेलंगाना राष्ट्र समिति, अब भारत राष्ट्र समिति के रूप में परिवर्तित हो चुका है। केसीआर के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, एक नहीं बल्कि दो दो बार के मुख्यमंत्री, तीसरी बार यानी कि जीत का हैट्रिक लगाकर तीसरी बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होंगे या नहीं ये 3 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पर बहुत मजबूती के साथ फाइट देते हुए नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी की मजबूती कितनी है इसका अंदाजा आप उन तस्वीरों से लगा सकते हैं जहां राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, रेवंत रेड्डी, यहां जो आर फैक्टर की बात होती है, चाहे रेवंत रेड्डी हो चाहे राहुल गांधी हो, तो ये आर फैक्टर इतना ज्यादा काम कर रहा है क्या कि अब तेलंगाना के जो अभी वर्तमान जो दल है वो मात्र 65 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, बकौल राहुल लाल जी जब कह रहे थे। अभी आना चाहता हूं संजय कुमार सिंह साहब आपके पास भी जल्दी से, आपके क्या विचार हैं इस पे और क्या कुछ आप देख रहे हैं यहां से आगे की रणनीति कांग्रेस की भी समझनी होगी। अगर कांग्रेस तेलंगाना पर जीत हासिल कर लेती है तो आगे की रणनीति पर चर्चा जरूर लाजिमी है, लेकिन अभी तेलंगाना को लेकर आपके विचार। तेलंगाना एक नया राज्य है और वहाँ दो बार बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। जो स्थानीय पार्टी थी या जिसने आंदोलन किया अलग राज्य के लिए, वो दो बार सत्ता में रही और जो हम लोगों ने देखा मतदाताओं से बातचीत, उसमें लगा कि ज्यादातर मतदाता नाराज हैं सत्तारूढ़ पार्टी से। तो मोटा मोटी एंटी इनकम्बेंसी का मामला बहुत मजबूत है। और दूसरी तरफ कि विकल्प क्या है जनता के पास, तो जनता के पास विकल्प तो है ही नहीं कांग्रेस के अलावा, क्योंकि इसको साबित किया जा चुका है और लोग ये मान चुके हैं और ये दिखाई दे रहा है कि बीजेपी, केसीआर और एआईएमएस सब जो है वो एक तरफ है और कांग्रेस एक तरफ है। तो अगर विकल्प ही नहीं है जनता के पास, एंटी इनकम्बेंसी का मामला बहुत गंभीर है, 10 साल वो शासन कर चुके हैं और जनता कह रही है कि हमने देख लिया नहीं मिला, और उन्होंने गरीबों की मदद की है और जो बीजेपी के खिलाफ आमतौर पर शिकायत है वो सब कुछ वहां भी है। तो जनता मुझे लगता है कि निश्चित रूप से विकल्प आजमाएगी और विकल्प कांग्रेस है वहां और ये वहां एंटी इनकम्बेंसी है, तो सब मिला जुला करके मुझे लगता है कि कुछ चौंकाने वाला रिजल्ट नहीं है। बहुत क्लियर है कि कांग्रेस जीत रही है और कांग्रेस को जीतना चाहिए। उसमें कुछ मुझे अब जो मैंने आज लोगों से बातचीत देखी और जिस ढंग से आपने भी बताया कि साफ साफ लोग कह रहे हैं कि ये है वो, तो उसमें जितने लोग कांग्रेस का नाम ले रहे हैं या बीआरएस और टीआरएस का, उससे बहुत क्लियर है कि कौन मेजोरिटी में है और कौन नहीं है। और जिस ढंग से ये क्लियर कर दिया गया है कि बीजेपी का सपोर्ट कौन कर रहा है और बीजेपी के नेशनल लेवल पे जो उसके खिलाफ शिकायत है या जो उसके काम से लोगों को नाराजगी है, वो सब हिंदी पट्टी की तो बात अलग है, वहां एक तो कांग्रेस से लोगों का समर्थन है और दूसरा बीजेपी की वो तगड़ी पहुंच नहीं है, और जो पहुंच है उसको राहुल गांधी के प्रचार ने या कांग्रेस के प्रचार ने काट दिया है। तो मुझे लगता है कि सब मिला करके वहां स्थिति कांग्रेस की बहुत मजबूत है और एंटी इनकम्बेंसी का जोरदार फायदा होगा, इसलिए कांग्रेस निश्चित रूप से और स्पष्ट रूप से बहुमत पा रही है, मुझे इसमें कोई शक नहीं लगता है। राजीव जी बिल्कुल, कांग्रेस तेलंगाना में स्पष्ट रूप से बहुमत पा रही है, इसमें कोई शक नहीं है, कह रहे हैं संजय कुमार सिंह साहब। हालांकि रिजल्ट तो 3 तारीख को आएगा, अनुमानों के आधार पर हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, जो धरातल पर देख रहे हैं, जो लोगों से बात कर रहे हैं उस आधार पर हम विश्लेषण कर रहे हैं और यही जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इन राज्यों में, 5 राज्यों में चुनाव, इन राज्यों में क्या कुछ होने जा रहा है। मीनू जैन जी जल्दी से आपके पास एक बार फिर से आना चाहता हूँ, और इस बीच एक खबर आ रही है कि उत्तराखंड में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था टनल में, उसमें से 5 मजदूरों को निकाल दिया गया है, इसका भी कोई असर आप देखती हैं क्या तेलंगाना के चुनाव पे? और ये जरा मीनू जैन जी ये भी समझूंगा और समझूंगा ये भी कि तेलंगाना के बाद कांग्रेस की रणनीतियां क्या हो सकती हैं। मीनू जी आपने जो एक खबर दी है सिलक्यारा से निकल के आए हैं मजदूर बाहर,
तो ये बड़ी अच्छी खबर है और उम्मीद करते हैं सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आएंगे। देखिए इसमें तेलंगाना चुनाव के ऊपर कोई इसका असर पड़ेगा ये तो कोई सीधा कनेक्शन है ही नहीं। देखिए ये जो वहाँ पे जो टनल के जो विशेषज्ञ हैं टनल माइनिंग के उनकी वजह से ये हुआ है। विदेशी आए हुए हैं वो लोग, उन्होंने मशीनें लगा ली ऊपर से नीचे से आजू बाजू चारों तरफ से खोद डाला लेकिन नहीं पहुंच पाया। अल्टीमेटली रेट माइनिंग मतलब चूहे की तरह थोड़ी थोड़ा खुदाई की और उससे मैनुअल खुदाई की मजदूरों को लगा के और उसके बाद वो मजदूर अगर निकल आए हैं तो वो उससे निकल के बाहर आए हैं। और इसमें पॉजिटिव असर तो नहीं, अगर जो जनता अगर तेलंगाना की जिस तरह की मैं बता रही हूँ कि शिक्षित सुशिक्षित जनता है अगर वो इसको इवेल्यूएशन करेगी इसका रेट्रोस्पेक्टिवली तो उल्टे नेगेटिव असर जाएगा क्योंकि ये चारधाम परियोजना का जो ऑल वेदर रोड बनाने की मोदी जी की ये महत्वाकांक्षी परियोजना थी ये उसका नतीजे में ये निकली है। ये 4.5 किलोमीटर लंबी टनल थी जो कि अपने समय वो टनल धस गई, ऊपर से उसकी छत जो है वो धस गई और मजदूर अंदर फंसे रह गए। और ये डेफिनेटली हिमालय एक युवा पर्वत श्रृंखला है जिसमें कि अनावश्यक उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। आपने जोशीमठ का देखा था, जोशीमठ के घरों में दरारें आ रही थी, बद्रीनाथ के मंदिर में खबर थी पिछले दिनों दरारें आने की, उसके बाद से जो छेड़छाड़ है वो बंद नहीं हो रही है। आप कर्णप्रयाग ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे लाइन ले जाने की बात कर रहे हैं, मतलब कितनी सुरंगें आप खोदेंगे। एक फ्रेजाइल हिमालय है, बहुत ज्यादा कमजोर मिट्टी का बना हुआ एक हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये युवा पर्वत श्रृंखला है, उसके साथ आपने छेड़छाड़ की, उसके नतीजे में 41 मजदूर अंदर फंसे रह गए। और जो जनता अगर देखेगी तेलंगाना की तो ये देखेगी कि इतने दिनों तक किसी ने होश नहीं ली उनकी, सुध नहीं ली। प्रधानमंत्री चुनाव की रैली में व्यस्त थे, उसके बाद वो क्रिकेट मैच जिताने में व्यस्त हो गए, मतलब वो बजाय सिलक्यारा आने के वो चुनाव मैच चुनाव का वो क्रिकेट का मैच देख रहे थे और वहाँ सेलिब्रेशन की तैयारी में थे। उसके बाद भी वो अपना इधर उधर तीर्थाटन में और कहाँ कहाँ मोदी जी जाते आते रहे, हवाई जहाज उड़ा रहे थे। मोदी जी का कोई रोल नहीं है, मोदी जी का तो ये रोल है कि उन्होंने हिमालय में ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि किसी दिन ये पूरा उत्तराखंड ढह जाएगा, गंगा जमुना में बह के दिल्ली पहुंच जाएगा उत्तराखंड, तो उसमें मैसेज नेगेटिव जाने वाला है। और उसमें जो किया गया वो यहाँ के वैज्ञानिक तो कुछ कर नहीं पाए, उल्टे ये है कि अब इसको एक इवेंट बना रखा है, उसमें कहा यह भी जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, लेकिन मुझे ऐसा डर लगता है कि शायद पनौती शब्द ऐसा चिपका हुआ है उनके, वो डर के मारे आए नहीं क्योंकि यह तैयारियां चल रही थी। और बाकी का देखिए तेलंगाना की जनता जो जनता यहाँ की हिमाचल की जनता रही और कर्नाटक की जनता रही, उन्होंने जब अपने ऊपर धर्म का मुद्दा हावी नहीं होने दिया, सांप्रदायिकता का नफरत का मुद्दा हावी नहीं होने दिया, तो मैं तो तेलंगाना की जनता को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ कि वो इस सांप्रदायिकता के मुद्दे को अपने ऊपर हावी होने देगी। वही अपने बुनियादी मुद्दों पे करेंगी और उनको दिखाई दे रहा है कि इस वक्त देश को बीजेपी की जरूरत नहीं है, उसके लिए उनके पास ऑल्टरनेटिव है, एक बहुत सॉलिड नेशनल पार्टी है, वो नेशनल पार्टी से रिप्लेस करना चाहते हैं अपनी रीजनल पार्टी को। तो उसमें उन्होंने बीजेपी को नहीं कांग्रेस को चुना, और जो मैं मानती हूँ अगर वो चुनती है जनता तेलंगाना की जैसा कि उम्मीद जताई जा रही है तो एक बड़ी शुभ शुरुआत होगी इस देश की राजनीति के लिए और बीजेपी का दरवाजा साउथ इंडिया के लिए बंद हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल। लेकिन प्रशांत टंडन जी, सांप्रदायिकता का मुद्दा क्यों यहाँ काम नहीं कर पाया अगर बीजेपी के लिहाज से देखा जाए तो, और क्या बीजेपी इसी कारण यहाँ बैकफुट पे नजर आ रही है? देखिए ये बहुत बेसिक मूल गलती बीजेपी ने की है, और कि यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जो है वो बुलडोजर लेके आ गए, यहाँ हिंदू मुस्लिम की पैकेज लेकर अमित शाह मोदी और नड्डा जी तीनों आए, और यही कर्नाटक में भी किया था और कर्नाटक से इन्होंने सबक नहीं लिया। देखिए ये उत्तर प्रदेश नहीं है, हम लोग आज और कल दो दिन यहाँ पे घूमे हैं और लोगों से बात की है, ये राज्य बना है किसानों के और यहाँ की जनता के आंदोलन से, और आंदोलन राजनीतिक रूप से जनता को और मतदाता को तैयार करती है अपने अधिकारों के प्रति।
आप देखिए कितने लोग हैं यहाँ पे जो अपने मकान की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, राज्य के विकास की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिनके खेत आवारा पशु चर जाते हैं, लेकिन उनके लिए वो मुद्दा नहीं बन पाता है। ये उत्तर प्रदेश है, वहाँ पे हिंदू मुसलमान चल सकता है शायद। आगे अगर वो सबक लेंगे उत्तर प्रदेश के मतदाता यहाँ से, कर्नाटक से और तेलंगाना से, तो शायद वो भी दूसरे तरीके से वोट करेंगे। तो यहाँ पे सांप्रदायिक पैकेज लाना बड़ी भूल थी, और 3 तारीख को पता चल जाएगा कि उसका कितना बड़ा यहाँ पे कार्ड वो चलता है, कितना नहीं चलता है। और मुझे अभी भी मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी की जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव पार्टी बनेगी वो एक इनोवा कार में आराम से आ जाएगी। एक इनोवा कार में मतलब लेजिस्लेटिव पार्टी बीजेपी इतनी सीटें जीतेगी कि उसके जो सदस्य हैं वो एक इनोवा कार में जा सकते हैं, कह रहे हैं प्रशांत टंडन जी, यानी कि 7 सीटर 5 सीटर की कार में उतने लोग आ सकते हैं, इससे ज़्यादा सीटें नहीं जीत सकती है बीजेपी। लेकिन पिछली दफ़ा बीजेपी मात्र 1 सीट जीत कर आई थी, हालाँकि उपचुनाव में बीजेपी धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और 5 सीट तक आई है, और लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के पास 4 सीटें हैं। 4 सीटों के आधार पर बीजेपी आगे बहुत बड़ी चुनौती देने की जुगत में थी, कोशिश में थी, लेकिन वो बीजेपी को नहीं हो पाया, नहीं मिल पाया। एक बार फिर से आना चाहता हूं प्रोफेसर रवि कांत जी आपके पास। अब यहां से आगे की रणनीति जरा कांग्रेस की समझना चाहता हूं आपके जरिए। देखिए राजू जी, एक तो ये है जो मीनू जैन ने कहा कि दक्षिण भारत के दरवाजे बंद हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन मैं समझता हूं दरवाजा ही नहीं खिड़की भी बंद हो रही है। कर्नाटक और तेलंगाना के बाद अब कोई उनको उनके पास रोशनदान नहीं है जिससे वो दक्षिण भारत में दाखिल हो सके। नंबर दो, अब प्रशांत जी ने बात की थी कि अब वहां पर जेपी नड्डा की भी फोटो आ गई है। मुझे एक और फोटो 2-3 दिन से चलती हुई दिख रही है, वो इन 5 राज्यों के चुनाव नतीजे के बाद और भी ज्यादा प्रभावशाली होकर के दिखाई पड़ेगी, लेकिन वो गोदी मीडिया में नहीं होगी, वो दूसरी जगह होगी, और वो फोटो है नितिन गडकरी की। आरएसएस के तमाम लोग भी, मोहन भागवत से लेकर के और दत्तात्रेय होसबोले तक, वो भी इन चुनावों के नतीजों को देख रहे हैं। सवाल तो अब ये होगा कि जिस गुजराती लॉबी के भरोसे पूरी भारतीय जनता पार्टी चल रही है और बीजेपी को नरेंद्र मोदी में तब्दील कर दिया गया है, और मोदी जी के भरोसे अगर पार्टी चुनाव नहीं जीत रही है तो फिर उनके उस बोझ को कैसे उतारा जाए। तो नई रणनीति पर विचार अब आरएसएस भी करेगा और बीजेपी भी करेगी। इसलिए मैंने कहा कि अब नितिन गडकरी की फोटो दिखाई पड़ने लगी है, तो और तेलंगाना का जो चुनाव है उसमें और उसके पहले के 4 राज्यों के चुनाव में भी राहुल गांधी खास करके जिस ढंग से चुनाव प्रचार में सामने आए और जनता ने उन्हें जो मोहब्बत दी, जो प्यार दिया, वो 2024 का ही सीधे तौर पर रास्ता दिखाई दे रहा है कि अब वो किस तरफ जा रही है भारत की पॉलिटिक्स। लोगों की जो 10 साल की नाउम्मीदी का दौर था वो खत्म होने जा रहा है, जो जुमलों की राजनीति थी अब उसका अंतिम समय आ चुका है, और हो सकता है कि इन चुनावों में ही लोग अंतिम संस्कार भी कर दें अब जुमलों की राजनीति का। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी गारंटी की बात कर रही है, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम हो जो उन्होंने लागू किया, कर्नाटक में लागू किया, हिमाचल प्रदेश में लागू किया, और इसके अलावा किसानों की ऋण मुक्ति का हो, गृहिणियों के अकाउंट में 10,000 रुपए आने की बात हो, बच्चों के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, राजीव जी इस पर मैं ज्यादा जोर देना चाहता हूं, दलित पिछड़ा आदिवासी पसमांदा जो भी कमजोर वंचित तबका है उसके बच्चों के सपनों को जिस तरह से छीन लिया गया है इन 10 साल में, और राहुल गांधी अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल वो भी KG-2 PG फ्री की बात कर रहे हैं, तो ये सच्चा है देश से प्रेम करना, सच्ची मोहब्बत करना। क्योंकि देश का मतलब कोई पर्वत पहाड़ और समुद्र नहीं होता, देश का मतलब होता है देश के लोग, और देश के लोगों की अगर चेक करनी है तो देश के लोगों का उत्थान करना होगा,
और उनके बुनियाद को मजबूत करना होगा, तभी देश मजबूत होगा। तो अब पूरा नैरेटिव और पूरा एजेंडा इस तरफ चल पड़ा है कि लोगों का क्या उत्थान होगा, और तेलंगाना हो, कर्नाटक हो या समूचा दक्षिण भारत हो, वहां पर गाय और गोबर की पॉलिटिक्स नहीं चलती। उत्तर प्रदेश में आज भी ये हो रहा है कि एक महिला विधायक जो इत्तफाक से अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, अगर वो मंदिर में पहुंच जाती हैं रामकथा के आयोजन में, तो जो हिंदू धर्म के बारे में कभी डॉक्टर अंबेडकर कहते थे, बजाय उनके स्वागत सत्कार के उस मंदिर को धुलवाया जाता है, शुद्धिकरण कराया जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि इस धर्म को मानने वालों ने क्या बना दिया है, और इस धर्म का अगर भारत के बाहर प्रचार प्रसार नहीं हो सका और इस धर्म में इतनी असमानता बनी रही, और दक्षिण भारत में आप याद कीजिए स्टालिन के बेटे ने क्या बोला, मैं उस बयान को एंडोर्स नहीं करता हूं कि उसमें ज्यादा एग्रेशन था, लेकिन जो सवाल उठाया गया वो जाहिर तौर पर विचार करने योग्य है कि आज भी जो सनातन धर्म जिसको कहते हैं उसमें अगर असमानता, अत्याचार, अन्याय है। और एक और 2018 की घटना है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक, वो दलित समाज से आती थी, वो मंदिर में जाती है तो मंदिर को शुद्ध किया जाता है, मूर्तियों को इलाहाबाद ले जाकर के गंगा जल में धुलवाया जाता है। और आप नहीं भूल रहे होंगे जब अखिलेश यादव यहां से निकल अपने मुख्यमंत्री आवास छोड़ते हैं तो योगी आदित्यनाथ प्रवेश करने के पहले गंगा जल से उसे धुलवाते हैं। ये तो उत्तर भारत की जो गाय गोबर की पॉलिटिक्स है उससे लोग आगे जा चुके हैं, और 2024 में जिस तरफ राजनीति जा रही है वो मुझे लगता है कि असली एजेंडे की तरफ जा रही है, रोजगार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य के सवाल, और इसके अलावा इस देश में प्रेम और मोहब्बत और भाईचारा हो, सौहार्द हो, इस तरफ पॉलिटिक्स जा रही है। और उसके सबसे बड़े आइकॉन के रूप में राहुल गांधी आज सामने है, जो लोगों के विश्वास का सबसे बड़ा केंद्र है। जी राजू जी, जी जी बिल्कुल, राहुल गांधी एक सेंटर पॉइंट में है, एक आइकन के रूप में यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जो विश्वास जिसके ऊपर लोग कर रहे हैं, ऐसा मानना है प्रोफेसर रविकांत जी का। अमलेंदु उपाध्याय जी, आप किस ढंग से देखते हैं इस पूरे कैंपेन को, तेलंगाना के कैंपेन पर अगर नजर डाला जाए जो अब समाप्त हो चुका है, तो कैसे देखते हैं आप? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि तेलंगाना का जो पूरा कैंपेन है वो असल में कांग्रेस के दक्षिण से एक रिवाइवल की जो है उसका आप शुरुआत भी कह सकते हैं, और दक्षिण से नहीं बल्कि आप इसे कह सकते हैं कि जो पूरे देश के स्तर पे जो है कांग्रेस के कमबैक की एक स्थिति जो है बन रही है। तेलंगाना से जैसा राहुल गांधी, जब प्रियंका गांधी कह रही थी कि जब जब जरूरत पड़ी तब तब कांग्रेस ने हमारे उसको समर्थन दिया, जरूरत पड़ी तो आपको याद हुआ कि 1980 का चुनाव जब हुआ लोकसभा का और जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद, तो इंदिरा गांधी ने जब कमबैक किया, वापसी की, तो मेजक से ही वो इंदिरा गांधी जीत करके आई थी, रायबरेली से भी आई थी, तो मेजक से जीत के आई थी, और मेजक सीट ही उन्होंने अपने पास सही थी। तो तेलंगाना जो है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कांग्रेस के लिए, और इसीलिए मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने इस नब्ज को पहचान लिया था कि किस तरीके से तेलंगाना से वापसी कांग्रेस कर सकती है, उसका राष्ट्रीय परिदृश्य पर क्या असर पड़ेगा। राहुल गांधी ने इसीलिए मुझे लगता है तेलंगाना पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया, और जब सारे चैनल्स में और सारे मीडिया में खबरें चल रही थी तब राहुल गांधी राजस्थान नहीं जा रहे हैं, कि मध्य प्रदेश नहीं जा रहे हैं, कि छत्तीसगढ़ नहीं जा रहे हैं और तेलंगाना जा रहे हैं, तो राहुल गांधी कोई बेवकूफ नहीं थे कि जो सब छोड़ करके तेलंगाना जा रहे थे। राहुल गांधी एक रणनीति के तहत तेलंगाना में कांग्रेस का प्रचार बूस्ट करने के लिए जा रहे थे, और जैसे ही वहां कांग्रेस के प्रचार ने गति पकड़ी और कांग्रेस को लोगों को लगने लगा तेलंगाना में कि कांग्रेस वापसी कर रही है, तब राहुल गांधी ने जो है दूसरे राज्यों की तरफ ध्यान देना शुरू किया जहां जाना उनका जरूरी था। राहुल गांधी ने बहुत अच्छी रणनीति के तहत तेलंगाना पे अच्छा खासा जो था वो ध्यान दिया। दूसरा, लगातार जिस तरीके से केसीआर के खिलाफ कांग्रेस पिछले 2-3 साल के अंदर जो है लगातार झुकी रही है राज्य स्तर पे, उसने भी कांग्रेस को वहां एक मुख्य मुकाबले में लाकर के खड़ा कर दिया। एक दूसरी बात जो मुझे लगता है जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि जो पहली बार जो कांग्रेस केसीआर को वोट मिले वहां तेलंगाना में, तो वो तेलंगाना का प्रभाव था, और दूसरी बार लोगों ने सोचा कि चलो ये एक बार में कुछ नहीं कर पाए तो शायद दूसरी बार जो है ये कुछ करेंगे इसके लिए तेलंगाना के लिए।
लेकिन जब दूसरी बार भी जब कुछ काम नहीं हुआ और जब राहुल गांधी ने जब जिस तरीके से द्वाराला और प्रजाला की बात की तो लोगों के दिमाग में ये बात तुरंत क्लिक कर गई कि केसीआर जो है वो जिस तरीके से लगातार काम कर रहे हैं वो एक अपने खास परिवार के लिए और खास कुनबे के लिए जो है वो केसीआर। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। काम कर रहे लोगों के बीच में यह संदेश चला गया। उधर जिस तरीके से राहुल गांधी ने अटैक किया कि ये केसीआर और एआईएमआईएम और बीजेपी मिले हुए हैं, ये भी लोगों के दिमाग में है वो एकदम से क्लिक कर गया। चूंकि देखिए राहुल गांधी जिस तरीके से बता रहे थे कि केसीआर की बेटी जो है उनकी 23 नवंबर तक उनको छूट मिली हुई थी और अभी तक जो है उनको नहीं पहुंची है कोई ईडी में। मजे की बात राजीव जी ये है कि ईडी के छापे जो है तेलंगाना में भी कांग्रेस के विधायक उनके पल चुके हैं इस चुनाव के दौरान। तो यानी केसीआर के यहाँ जो है वो ईडी नहीं जा रही है किसी के यहाँ भी, और कांग्रेस के प्रत्याशी के यहाँ जो है वो पहुंच जा रही है, छापा पड़ जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं वो किस तरीके से यहाँ सच साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इन सारी चीजों का असर मुझे लगता है कि वहाँ काफी ज्यादा हुआ है। और चूंकि तेलंगाना पहले से स्ट्रांग होल्ड कांग्रेस का रहा था, खासतौर से वाईएसआर रेड्डी के समय में जिस तरीके से वहाँ काम हुए, जनजातियों के लिए काम हुए, पिछड़ों के लिए काम हुए, अल्पसंख्यकों के लिए काम हुए, उसका एक अच्छा असर जो है वो अभी भी है। मुझे लगता है कि वो चीजें फिर लौट करके आ रही है। तो ये कांग्रेस को वहाँ एक जबरदस्त तरीके से बूस्ट करने की चीज जो मुझे लग रहा है दिख रही है। और निश्चित तौर पर अब जो सूचनाएं आ रही है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस बड़ी ताकत के साथ वहाँ वापस आ रही है। बाकी चुनाव का परिणाम क्या होगा तो 3 दिसंबर को मालूम पड़ेगा। जी जी बिल्कुल। जरा प्रेम कुमार जी आपके पास भी आना चाहता हूँ। रणनीतिक तौर पर यहाँ कांग्रेस की मजबूती कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती गई है, जरा आपसे समझूं। जी राजीव जी, देखिए हमारे एक मित्र मिले जो पूरे तेलंगाना में घूमकर लौटे हैं, उन्होंने एक बात बताई जिसका जिक्र करना चाहता हूँ। वो ये कि तेलंगाना के हर घर में एक जो मूर्ति तस्वीर रखने की एक परंपरा है उसके मुताबिक महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, इन सब की तस्वीरें घर घर मिल जाती हैं। और ये चीज उत्तर भारत में कभी हुआ करती थी। हमें भी ध्यान है कि हम जब छोटे थे तो हमारे घर आंगन में ये तस्वीरें होती थी, लेकिन अब उत्तर भारत में नहीं दिखाई देती हैं या कम दिखाई देती है। लेकिन तेलंगाना में ये जड़ बहुत मजबूत है। और ये जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं से आगे जो कांग्रेस बढ़ी और फिर से रिवाइवल हो रहा है, उसमें ये इसका बहुत महत्व है। क्योंकि नैतिक जो इंस्पिरेशन है वो ये लेते रहे गांधी नेहरू परिवार से और उनकी विरासत से, कांग्रेस पार्टी से, ये एक बड़ा फैक्टर है। इसको ये बीते दिनों जब तेलंगाना बना और जनता ने तेलंगाना बनाने के लिए बीआरएस को, जो तब बीआरएस थी, मौका दिया तो कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई। लेकिन इस बीते 10 साल के अनुभव से जनता ने एक बार फिर कांग्रेस को रिकॉल किया, क्योंकि कांग्रेस की नीतियां कहीं ना कहीं जनता से सरोकार रहने वाली रही हैं और उन्होंने कांग्रेस को रिकॉल करना शुरू किया। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल निभाया वो भारत जोड़ो यात्रा ने निभाया। उसके बाद दूसरी अहम भूमिका कर्नाटक में कांग्रेस की जीत की रही। और तीसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो रेड्डी है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने पूरे वहां के रेड्डी समुदाय में भी एक जबरदस्त आकर्षण पैदा किया और नेतृत्व दिया। तो कांग्रेस को जो नेतृत्व नहीं मिल रहा था, रेवंत रेड्डी उभर कर सामने आए वो नेतृत्व देने के लिए, ये फैक्टर रहा। इसके अलावा एक और काम, रेवंत रेड्डी ने जिस तरीके से केसीआर को जाकर चुनौती दी है चुनाव लड़ते हुए, ये बहुत बड़ी बात है। ये एक तरह से ललकारना है केसीआर को उनके घर जा करके, और भी वो मेडक जिले में जहां पे आप जानते हैं कि जिनसे इंदिरा गांधी का भी नाता रहा है। तो एक तरह से हर चारों ओर से स्तर पर
सिद्धांत के स्तर पर, केंद्रीय नेतृत्व के स्तर पर, स्थानीय नेतृत्व के स्तर पर एक बढ़िया काम जो है दिखा है और अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए कांग्रेस सामने आई, तो इसका ये नतीजा हुआ कि कांग्रेस ने दिखाया कि विकल्प हम ही हैं। अभी संजय जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है और कोई विकल्प नहीं है तो जनता कांग्रेस को दे रही है, लेकिन ये थोड़ा सा नेगेटिव अप्रोच हो जाता है, संजय जी क्षमा के साथ कह रहा हूं, लेकिन वास्तव में कांग्रेस ने उम्मीद जगाई है जनता में, क्योंकि कांग्रेस सेकंड नंबर पर भी नहीं मानी जा रही थी, सेकंड नंबर तो बीजेपी दावेदारी कर रही थी, 4 लोकसभा सीटें जीती हुई थी, लेकिन कांग्रेस ने उम्मीद जताई कि अगर कोई तेलंगाना का कायाकल्प कर सकता है तो हम ही कर सकते हैं, कांग्रेस ही कर सकती है। इसी कारण से बीआरएस, जिससे जनता आजिज हो गई थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि बीजेपी के हाथ में कैसे हम सत्ता सौंपे, बीजेपी से परहेज रहा, तो कांग्रेस समय पर जागी, कांग्रेस ने हर स्तर से अपने आप को खड़ा किया और एक विकल्प के रूप में पेश किया। आज 6 गारंटियों की चर्चा हो रही है कांग्रेस की, उन गारंटियों के इर्द गिर्द जनता को जोड़ा, उम्मीदों से जोड़ा है और जनता उम्मीद के साथ कांग्रेस की ओर देख रही है। अब देखना है कि सरकार अगर बनती है तो कांग्रेस उन उम्मीदों को पूरा करती भी है या उससे अगर करेगी तो निश्चित रूप से रिपीट करेगी, और आगे तो समय बताएगा। जी जी, संजय कुमार सिंह साहब क्या कहेंगे इस पे? मेरे कहने का मतलब वही था कि विकल्प चाहे जैसे हो, कांग्रेस की मेहनत से हो या बिना मेहनत के भी हो, तो कांग्रेस ही विकल्प है। वो ठीक है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने मेहनत की है, उसका फायदा मिला है, तो मैं उससे इनकार कहाँ कर रहा हूँ, वो तो अपनी जगह है ही है। मैं कह रहा हूँ कि दूसरा विकल्प ही नहीं है, तो वैसे भी मेरे कहने का वो मतलब था। खैर, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मेरे कहने का मतलब वही था, आप भी वही बात करें। देखिए, मूल बात ये है कि कांग्रेस ने जो मेहनत की है या राहुल गांधी ने जो मेहनत की है वो दिखाई दे रहा है और निस्वार्थ है। मतलब जिस ढंग से कांग्रेस को बदनाम किया था मोदी जी ने 2014 इलेक्शन से पहले और उसके बाद, और जिस ढंग से राहुल गांधी को डैमेज किया था, उसमें कोई भी दूसरा आदमी होता तो कहता कि मुझे इस सबसे मतलब नहीं है, मैं चला अपना और मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उसमें राहुल गांधी और ये पेश क्या, बाकी लोग इस ढंग से पेश कर रहे थे जैसे राहुल गांधी की जिम्मेदारी है कि वो देश को विपक्ष दे या एक अच्छा मजबूत विपक्ष दे। राहुल गांधी ने सबका मुकाबला किया और सबको कैसे टक्कर दी जा सकती है उसकी योजना बनाई, और ये सब कुछ पैसे का जो संकट है उसके बावजूद किया। जो पैसे का संकट था और बदनाम कर दिया गया था कि कांग्रेस के पास बहुत पैसा है और चंदा आ नहीं रहा था, वो सब के बावजूद राहुल गांधी ने जिस ढंग से किया, और जाहिर है वो टीम वर्क है, एक आदमी का काम नहीं हो सकता है, लेकिन जिस ढंग से बदनाम किया था गया था कि राहुल गांधी छोड़ेंगे नहीं, प्रधानमंत्री वही बनना चाहते हैं, वंशवादी पार्टी है, राहुल गांधी अध्यक्ष रहेंगे कांग्रेस के, वगैरह वगैरह, वो सब छोड़ करके राहुल गांधी ने जो किया है वो बहुत बड़ा काम है, और कोई भी बिना लालच के बिना पद के इतनी मेहनत नहीं करता है। तो राहुल गांधी ने अगर किया है तो उसका उनको लाभ मिल रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने किया ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ी हार है। नरेंद्र मोदी की जो पूरा चुनाव प्रचार था या नरेंद्र मोदी का बीजेपी को जो उन्होंने उभारा था, उसका आधार यही था कि कांग्रेस भ्रष्ट है, वंशवादी पार्टी है, और राहुल गांधी ने ये साबित कर दिया कि ना वो भ्रष्ट है और ना वंशवादी है, वंशवाद भी बीजेपी में ज्यादा है और भ्रष्टाचार की तो कोई बात ही नहीं। तो इस ढंग से बीजेपी ने जो प्रेजेंट किया था कि हम करेंगे, देंगे, दिखाएंगे, वो सब कुछ नहीं हुआ। वो जहां तक टनल वाली बात है, तो टनल वाले मामले में भी बीजेपी सरकार में रहकर जब 11 मजदूर फंसे हुए तो चांद पर जाने का श्रेय तो आप ले सकते हैं, लेकिन 60 मीटर मलबा फंसा था, वो 16 दिन निकाला नहीं जा सका, तो ये फैक्ट है। तो अब अगर निकालने की खबर है, अभी तक निकाले जाने की खबर किसी की छिटपुट ही है, निकाले नहीं गए हैं, मुझे लगता नहीं है कि निकाले गए हैं एक भी मजदूर, क्योंकि ये 2-3 घंटे 2 बजे से चल रहा है कि मजदूर निकाल लिए गए, एक निकल गया, दो निकल गया, लेकिन फिर वो कंफर्म नहीं होता है। और एक खबर अभी ये भी है घंटे पहले की कि फिर से मलबा गिर गया है और फिर संकट हुआ है, तो वो सब अलग है। अगर निकाल भी लिए गए हैं तो श्रेय लेने की पूरी कोशिश हो रही है। अब पूरा मामला यही था कि जब राजस्थान चुनाव था उस समय भी यही हो गया था कि निकल गए, निकल गए, निकल गए, निकलने वाले हैं,
और फिर अभी इस चुनाव के पहले यही हो रहा है, निकलने वाले, तो इस तरह से श्रेय लेने की कोशिश तो हो ही रही है और वो दिखाई दे रहा है, भले जानबूझकर नहीं कर रहे हो और मीडिया वाले ही श्रेय देने की कोशिश कर रहे हो, पर ये होता हुआ साफ साफ दिख रहा है कि कांग्रेस की बीजेपी की सरकार में 16-17 दिन हो गए, मजदूर 41 मजदूर फंसे रहे, जो भी काम किया गया वो जीरो हो गया, जीरो। और उसके बाद अंत में 2 दिन में काम हुआ और 2 दिन में आज लग रहा है कि निकल रहे हैं, ये सुबह से चल रहा है, 2 बजे से अभी तक निकले नहीं है, मुझे दिखा नहीं एक भी वीडियो या एक भी तस्वीर किसी का कि कोई निकल करके आया, फिर भी अगर निकले हैं तो 1-2 लगे हैं, और उसके बाद ये भी खबर है कि फिर से मलबा गिर गया, तो वो अभी सफल नहीं हुआ है 16 दिन बाद। तो अगर 16 दिन में सफलता नहीं मिली 40 मजदूरों को निकालने में, तो चांद पर जाने का श्रेय लेना और इसका अपयश कौन लेगा, ये भी अपनी अपनी जगह एक मुद्दा है, लेकिन कोशिश पूरी चल रही है वो, हालांकि वो चुनाव से अलग मुद्दा है, लेकिन बीजेपी कैसे काम करती है वो तो इससे पता चलता ही है। राजीव जी, जी राहुल लाल जी, क्या कांग्रेस की स्ट्रेटेजी, जिस पर हमेशा कांग्रेस के बारे में कहा जाता रहा है कि चुनाव मजबूती के साथ कांग्रेस नहीं लड़ती है, कांग्रेस में एकजुटता की कमी है, बहुत सारी बातें खासकर पिछले 10 सालों से कही जाती रहीं, लेकिन अगर इस आज अगर लगाना ज़रूरी इसलिए कह रहा हूँ, अगर तेलंगाना का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, तो क्या ऐसी तमाम बातें जो कांग्रेस के ऊपर कही जाती थी, उन बातों से भी, इन बातों को भी खारिज करते हुए तेलंगाना का चुनाव एक माइलस्टोन बनेगा कांग्रेस के आने वाले भविष्य के लिए, कैसे देखा जाए इसको? बिल्कुल, तेलंगाना का चुनाव एक माइलस्टोन चुनाव तो होगा ही। देखिए, इसको 2-3 चीजों से समझना पड़ेगा। नंबर 1 की कांग्रेस ने अपने आप को काफी चेंज किया है, बहुत ज्यादा बदला है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ ये है कि वो अब अपने कांग्रेस के अनुसार वो अपने आप में बदलाव नहीं कर पा रही है, ना तो वो नए मुद्दे ला रही है, वो अभी भी सांप्रदायिक मुद्दों पर बनी हुई है। अगर हम लोग तेलंगाना चुनाव के जमीन में जाते हैं तो हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान 19 दिन का समय क्यों दिया तेलंगाना जैसे जगह में, उसमें तमाम लोगों के मन में यह सवाल था कि तेलंगाना में 19 दिन का समय क्यों दे रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन सोच के देखिए कि उस दरमियान से ही राहुल गांधी तेलंगाना की नब्ज को समझ गए थे, उसमें कोई कर्नाटक का चुनाव परिणाम तो आया नहीं था, तो बहुत प्रारंभिक स्थिति से कांग्रेस पहले से रणनीति बना के चल रही थी। हमें लग रहा है कि कांग्रेस ने जब भारत जोड़ो यात्रा तय किया और उसके साथ जिस तरह से संगठन के ढांचे में मल्लिकार्जुन खड़गे आए, राहुल गांधी फ्री हो गए और तमाम जो रणनीति बनी वहां से, क्योंकि देखिए कांग्रेस के ऊपर आरोप लगता था कि वो एकजुट होकर नहीं लड़ती है चुनाव, आप देख लीजिए तेलंगाना में एकजुट होकर चुनाव लड़ी, कुछ मतभेद की स्थितियां थी वहां पर शुरुआती तौर पे, लेकिन उन मतभेदों को भी बहुत शानदार ढंग से खत्म किया गया। दूसरी चीज की अगर आप भारतीय जनता पार्टी की एक मशीनरी थी, एक झूठ की मशीन थी, उसके तुलना में कांग्रेस जो अपनी गारंटियां दी, यानी कि अगर कर्नाटक में वो चुनाव में सफल होती है तो उन गारंटियों पर वो खड़ी उतरती, और ये जनता समझ रही है कि कर्नाटक चुनाव के परिणाम आए हुए कितने दिन हुए, लेकिन वहां पर गारंटियां आपने दे दी, राजस्थान में आपने गारंटियां दे दी, छत्तीसगढ़ में गारंटी दे दी, तो अब एक तरह से लोगों ने समझ लिया है कि अगर गारंटी कोई दे रहा है तो गारंटी मतलब कांग्रेस ही होती है, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो खैर गारंटी में कहीं खड़े नहीं उतरती, लेकिन तेलंगाना में वो मुख्य घटक है भी नहीं। लेकिन सवाल अब यह पूछा जाएगा कि 20% वोट शेयर लेके भारतीय जनता पार्टी 4 लोकसभा सीटें यहां पर जीत चुकी थी, फिर आखिर वो यहां से क्यों उसको यूटर्न की स्थिति बन गई? यूटर्न की स्थिति बनी कि आप जन सरोकार के मुद्दे आप नहीं लेके आते हैं, आप घिसे पीटे एक ही धाक के 3 पाक वाले कहानी पर चलते हैं जिसे जनता ने सीधे सीधे अस्वीकार किया। आप अगर जनता से जुड़े हुए मुद्दे लेके आते, सोचिए कि किसान आंदोलन के कितने समय हो गए राजीव जी, उसी समय कांग्रेस ने, उसी समय भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी बनाने का आश्वासन दिया था कि भाई उन मामलों के ऊपर जो किसानों से कुछ समझौते किए थे, कुछ आश्वासन दिए थे, आप सोच लीजिए कि वो उन सबों के भी वर्षों वर्ष बीत गए, कुछ भी नहीं हुआ। अब कांग्रेस दे रही है, कांग्रेस वो गारंटियां दे रही है और उसके परिणाम आ रहे हैं। देखिए, और अगर तेलंगाना में भारत राज समिति को देखते हैं हम लोग, भारत राज समिति अपने दावे वादों पर खड़ी नहीं उतरी और उसको बहुत बड़ा नुकसान, भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी होने के कारण, जो इसके ऊपर ठप्पा लगा है सहयोगी होने के कारण, वो उठाना पड़ रहा। मैं एक उदाहरण दे दूं, इन्होंने 204 जो है कि वो अल्पसंख्यक विद्यालय खोले, जो आवासीय विद्यालय, अच्छे ढंग से चल रहे हैं वो विद्यालय, लेकिन उसके बावजूद भी अल्पसंख्यक वोट इन्हें नहीं मिल रहे। नहीं मिलने का कारण है कि आप लोकसभा में, राज्यसभा में हर तरफ जब भी जरूरत पड़ती है तो आप हर समय जो है आप भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देते हुए दिख जाते हैं,
तो ये जो छवि बनाई है आपने कि हम बीजेपी के समर्थक हैं, भले ही आप पब्लिकली नहीं कहते, तो जनता ने जो बीजेपी से संबंधित तो भारत राज समिति के एंटी इनकमेंसी फैक्टर तो था ही, लेकिन आप जब बीजेपी से जुड़ते हैं तो उससे संबंधित एंटी इनकमेंसी फैक्टर का सामना भी यहाँ पे करना पड़ा यहाँ पे भारत राज समिति को, ये चीज भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। और यही कारण है कि यहाँ पे कांग्रेस के काफी मेहनत, दूरदर्शितापूर्ण उनके तमाम निर्णय, उन निर्णयों से यह साबित हुआ कि तेलंगाना जैसे जगह पर भी वो बदल रही है। और सोचिए कि तेलंगाना की जीत के साथ जब कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव में उतरेगी, अगर ये परिस्थितियां बनती है, तो कांग्रेस की एनर्जी कितनी जबरदस्त होगी कि वो 2023 के खत्म होते होते भी नए नए जगहों पर वो अपने पैर पसार रही है। और भारतीय जनता पार्टी जिसको कि वहां के लोगों ने कम से कम 4 लोकसभा सीटें दी थी, उनके दरवाजे खिड़कियां सब कुछ बिल्कुल बंद हो रहे हैं। तो कर्नाटक के बाद मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी को दक्षिण भारत के लिए तब उनके लिए कोई रास्ता, कोई मार्ग बचा ही नहीं, तो दक्षिण भारत में उनके रास्ते बंद हो रहे हैं और उनके लिए उत्तर भारत में भी रास्ते उनके लिए आसान नहीं है। वहां पर भी कठिनाइयों के बहुत ज्यादा कांटे वहां पर भी बिछे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। जी बहुत सारे कांटे बिछे हुए हैं, लेकिन इस बीच प्रशांत जी अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है और हम भी वापसी की तैयारी करेंगे, कल वापस जाना है, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए सम अप के रूप में तो क्या किस ढंग से आप कहेंगे तेलंगाना के इस चुनाव को? देखिए कांग्रेस ने यहाँ पूरी ताकत झोंक दी। आज भी यहाँ अशोक गहलोत थे, डीके शिव कुमार थे, कर्नाटक का पूरा कैबिनेट यहाँ लगा हुआ था, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे साहब, तो पूरा गैलेक्सी ऑफ लीडर्स। टीआरएस ने वो 10 साल के अपने कार्यकाल में लीडरशिप नहीं पैदा की, वो अकेले हैं या उनके बेटे हैं, तो ये नुकसान ये क्षेत्रीय पार्टियों को देखना होगा। और दूसरा एक आखिरी बात जो है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं तो बहुत क्लियर डिवाइड दिख रहा है कांग्रेस और टीआरएस में, और कांग्रेस की तरफ रुझान दिख रहा है, लेकिन एक साइलेंट वोटर भी है, वो अगर अगले 2 दिन में चला गया तो लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी यहाँ पे। अगर साइलेंट वोटर जो फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं वो इधर से उधर चले गए तो लैंडस्लाइड विक्ट्री हो सकती है। तो हम 3 तारीख को इसका जिक्र भी करेंगे कि क्या कुछ हुआ, और आज की जो चर्चा हो रही थी इस चर्चा का जिक्र उस दिन हम जरूर करेंगे, और इसलिए भी क्योंकि ग्राउंड पे हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं प्रशांत जी, इसलिए भी। तो दोस्तों इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हमारे तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए थे, राहुल लाल जी, प्रेम कुमार जी, संजय कुमार सिंह साहब, प्रोफेसर रविकांत जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, मीनू जैन जी जुड़ी हुई थी, और अमलिंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इधर प्रशांत टंडन जी आप जान रहे हैं, प्रशांत जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम साथी जो अब तक बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आप सबका भी। जानता हूं कि आप लोगों के कमेंट नहीं ले पाता हूं, लेकिन फिर भी अब कल से जब स्टूडियो से हम कार्यक्रम करेंगे तो आपके कमेंट, आपकी बात, आपके विचार भी साथ साथ चलेंगे, और सब कल से तैयारी होगी 2024 की। दोस्तों 2023 का चुनाव तो अब 30 तारीख को समाप्त हो जाएगा और 3 तारीख को रिजल्ट भी, लेकिन 2024 का चुनाव और उस चुनाव को बहुत बारीकी से आप तक हम पहुंचाएंगे, और अभी से उसमें जुटने वाली है हमारी टीम। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है, और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके, और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।